अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मान्यवर मैं इस बात को कर रहा हूं। मेरे इलाके का ये भावनात्मक विषय है मान्यवर। जब मैं जाता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में और औरतें मुझसे पूछती हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही मान्यवर, नौकरी नहीं है बच्चों के पास, एक रहा सा गन्ना इलाका है, मेरे इलाके में गन्ना प्रधान इलाका है, 10% इलाका इस इलाके का, देश का कृषि इलाका ऐसा है जहां गन्ना बोया जाता है, लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और मान्यवर 4 साल से आप रो एक रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी बद से बदतर मेरे इलाके की कर दी मान्य अध्यक्ष जी इन्होंने। मेरे आज शब्द कम पड़ रहे हैं इस विधानसभा में मान्यवर, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यहां से जाता हूं, मां मुझसे सवाल होता है कि तुमने विधानसभा में क्या किया, मैं भी गन्ने का विषय उठा उठाकर इस विधानसभा में शर्मिंदा हो गया कि कोई विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं किया कि मैं, अब मेरे सहयोगी गन्ने पर इस विशेष विधानसभा में बात नहीं करते, लेकिन मुझे अफसोस मान्य अध्यक्ष सरकार के कान पर चू नहीं रही थी। आज मैं क्या जवाब दू जाकर वहां विधानसभा से कि भारत सरकार 55 रुपए बढ़ाती है और मेरी सरकार 55 पैसे नहीं बढ़ाती, मैं क्या जवाब दू वहां जाकर मान्य अध्यक्ष जी, क्या जवाब देंगे आप मान्यवर? कोई जिद नहीं, कोई ईगो नहीं, लेकिन आप लाखों लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान करिए मान्यवर। आज मैं उन लाखों लोगों की तरफ से आपसे मैंने कभी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं मांगा, लेकिन मैं उनकी पेट को की आग बुझाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भावनात्मक विषय है, आर्थिक विषय है, कम से कम आप आज बड़ा दिल कीजिए, इसी पेराई सत्र में आप गन्ने का भाव महंगाई के अनुपात में बढ़ाइए, कम से कम ऐसा तो कीजिए कि जिस अनुपात में डीजल की कीमत बढ़ी है, जिस अनुपात में खाद की फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है, उस लेबर कंपोनेंट बढ़ा है मान्यवर, उस में आप इसको बढ़ाइए मान्यवर। मैं वेल में भी आ सकता हूँ, मैं शोर भी मचा सकता हूँ, मैं विरोध भी कर सकता हूँ, लेकिन ये विरोध करने का विषय नहीं मान्यवर, ये वेल में आने का विषय नहीं, लेकिन मान्यवर ये भावनात्मक विषय है, इस पर आपकी मुझको संरक्षण चाहिए। सरकार को निर्देशित करें मान्य अध्यक्ष जी कि हमारे इस गन्ने की कीमत को यथाशीघ्र बढ़ाएं। और मैं एक आपको मान्य अध्यक्ष जी अंत में एक बात कह देना चाहता हूं कि ये मेरी भावनाएं, ये मेरे आंसू, ये मेरी कमजोरी मत समझना। अगर आप आज भाव नहीं बढ़ाते तो मान्यवर ये आंसू आपको ले डूबेंगे। धन्यवाद।